अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ने वाली नूतन की नेचुरल एक्टिंग, दिल छू लेने वाले डायलॉग डिलीवरी और भाव भंगिमाओं के जादू दर्शकों के मन मोह लेते थे। अपनी अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाली अभिनेत्रियां वैसे तो कई हुई हैं, लेकिन नूतन जैसी सदियों में एक होती है। रुक जा ओ जाने वाली, रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। अपनी सादगी और दमदार अभिनय से सभी के दिलों में आज भी बसने वाली 50-60 के दशक की बेहतरीन अभिनेत्री और संजीदा किरदारों के लिए मशहूर इस अदाकारा ने सिनेमा की दुनिया में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये। सीमा, सुजाता, बंदिनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में सशक्त अभिनय से छाप छोड़ने वाली भारतीय सिनेमा की सबसे सौम्य अभिनेत्री नूतन को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। वुमन सेंट्रिक रोल वाली फिल्म में उनकी पहचान बनी। उन्होंने एक्ट्रेस के महज शोपीस के तौर पर इस्तेमाल होने की परंपरा को बदला। वे मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली पहली एक्ट्रेस भी बनी। सबसे ज्यादा फिल्मफेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी लंबे समय तक उनके नाम रहा। छोड़ दो आचल, जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आचल, जमाना क्या। नूतन बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत सदाबहार एक्ट्रेस की लिस्ट में गिनी जाती हैं। ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में भी अपने अभिनय से पर्दे पर कलर भर देने वाली एक्ट्रेस नूतन ने लंबे समय तक लोगों के दिलों पर राज किया। नूतन अपनी माँ के बेहद करीब थी और उनके सपनों को भी उनकी माँ ने ही उड़ान दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नूतन और उनकी माँ के बीच रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। यहाँ तक कि बेटी ने माँ से बात करना भी बंद कर दिया था और उन पर केस कर दिया था। इस वीडियो में आज मैं आपको इसके पीछे की वजह और नूतन के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची। नूतन का जन्म 24 जून 1936 को मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता कुमार सेन समर्थ एक जाने माने फिल्म निर्देशक और कवि रहे हैं, तो वहीं माँ शोभना समर्थ भी अभिनेत्री थी, जिसकी वजह से नूतन भी उनसे काफी प्रभावित थी और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर खुद भी अदाकारा बनना चाहती थी। नूतन अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। उन्होंने बैडमिंटन, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज के साथ साथ संगीत की भी बकायदा शिक्षा ली थी। महज 5 साल की उम्र में ही नूतन ने बॉम्बे के ताजमहल होटल में एक परफॉर्मेंस दिया था। नूतन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1950 में की थी, जब वह स्कूल की छात्रा थी। बतौर बाल कलाकार फिल्म नल दमयंती में उन्होंने काम किया था। इसी साल उन्हें फिल्म हमारी बेटी में काम करने का मौका मिल गया। उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म हमारी बेटी में तुझे कैसा दूल्हा भाई रे बाकी दुल्हनिया जैसे लोकप्रिय गीत गाया था। यह फिल्म उनकी माँ शोभना समर्थ ने ही बनाई थी। इस फिल्म में नूतन की छोटी बहन और अपने दौर की दिग्गज अभिनेत्री तनुजा भी थी। तनुजा उस समय महज 5 साल की थी और सिर्फ एक लेमिनेट के लिए फिल्म में एक्टिंग कर लेती थी। नूतन ने उसी साल मात्र 14 साल की उम्र में बतौर अभिनेत्री फिल्म नगीना की थी। इस फिल्म में रोमांस और क्राइम सस्पेंस थ्रिलर सब था। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को एडल्ट कैटेगरी में शामिल किया था। प्रीमियर में नूतन जब फिल्म देखने गई तो वॉचमैन ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि वो एक एडल्ट मूवी थी
और नूतन उस समय केवल 14 साल की थी। नूतन ने वॉचमैन से अंदर जाने के लिए काफी मिन्नतें की और बताया कि फिल्म की एक्ट्रेस वही है, लेकिन वॉचमैन नहीं माना और नूतन को अंदर जाने से रोक दिया। नूतन अपने जन्म के समय इतनी दुबली पतली थी कि उनकी माँ उन्हें अगली बेबी और अगली डक जैसे नामों से पुकारा करती थी। लेकिन बचपन से कुरूप कही जाने वाली नूतन ने मात्र 16 साल की उम्र में साल 1952 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर सबको चौंका दिया था। आपको बता दें कि ये पहली दफा था जब किसी अभिनेत्री ने अपने फिल्मी सफर के शुरू होने के 2 साल बाद मिस इंडिया का खिताब जीता था। जिस समय नूतन मिस इंडिया बनी थी उसी समय निर्माता पंचोली प्रोडक्शन की फिल्म नगीना रिलीज होने वाली थी, और यह भी पहली दफा ही हुआ था कि पंचोली प्रोडक्शन की तरफ से इस फिल्म का प्रचार बड़े बड़े पोस्टर के जरिए इस तरह किया जा रहा था कि उनकी फिल्म की अभिनेत्री को मिस इंडिया चुना गया है। बालिग होने तक नूतन ने हम लोग, शीशम, पर्वत और आगोश जैसी फिल्मों में काम कर लिया था। हालांकि इसके बाद वे लंदन चली गईं और लौटकर आई तो सीमा में विद्रोही नायिका की भूमिका निभाई। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा। इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का पहला फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। नूतन ने इसके अलावा 1958 में आई फिल्म दिल्ली का ठग में स्विमसूट पहन सबको चौंका दिया था। इसके अलावा फिल्म बारिश में भी उन्होंने कई बोल्ड सीन दिए थे, इस पर उनका विरोध भी हुआ था। नूतन का कहना था कि आर्टिस्ट को स्क्रिप्ट के हिसाब से इन बातों से गुरेज नहीं करना चाहिए। नूतन ने अनारी, सुजाता, पेइंग गेस्ट, सीमा, बंदिनी, सरस्वती चंद्र, मिलन और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग की। नूतन ने न सिर्फ अपनी अदाकारी से छाप छोड़ी बल्कि उस समय में अपने बोल्डनेस का भी लोहा मनवाया। नूतन को राजेंद्र कुमार बहुत पसंद करते थे। उन्होंने नूतन की मां से उनका हाथ तक मांगा, लेकिन शोभना समर्थ ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और राजेंद्र कुमार की खूब बेइज्जती की। खैर, रियल लाइफ में तो ये रिश्ता नहीं जुड़ पाया, मगर रियल लाइफ में 1978 में फिल्म साजन बिना सुहागन में दोनों को पति पत्नी का किरदार निभाने का मौका मिल गया। वही शम्मी कपूर भी नूतन के दीवाने हो गए थे। हालांकि दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, बड़े हुए तो डेटिंग भी करने लगे। वे एक दूसरे से शादी के लिए राजी थे। नूतन की मां शोभना को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन समर्थ परिवार के नजदीकी प्रसिद्ध अभिनेता मोतीलाल इस रिश्ते के हक में नहीं थे। उन्होंने दोनों का रिश्ता नहीं होने दिया। उसके बाद नूतन ने साल 1959 में रजनीश बहल से शादी की थी। रजनीश नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर थे। शादी के बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी, लेकिन बेटे मोनीश बहल के पैदा होने के बाद भी उन्हें एक से बढ़कर एक रोल मिलते रहे, जिसके चलते नूतन वापस फिल्म में करने लगी। कोई देखे नशीली आंखें मलमल के, दिल कैसे बने न दीवाना। नूतन ने अपने करियर में तमाम हिट फिल्में की, लेकिन उनकी चॉइस अपने जमाने की एक्ट्रेसेस से जुदा थी। वे अधिकतर वुमेन सेंट्रिक फिल्मों का चयन ही करती थी। यही कारण था कि उन्होंने सीमा, सुजाता, बंदिनी और सोने की चिड़िया जैसे फिल्में की। बता दें कि नूतन ने जब फिल्मों से ब्रेक लेने का मन बना लिया था, तब बिमल रॉय उनके पास अपनी फिल्म बंदिनी का ऑफर लेकर आए। वे खुद भी बिमल दा की फिल्म को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने पहले बिमल दा को मना कर दिया। फिर उनके पति रजनीश ने उन्हें कन्विंस किया कि बिमल रॉय की फिल्म है, तुम्हें करनी चाहिए। नूतन उन दिनों प्रेग्नेंट थी,
फिर भी उन्होंने फिल्म करने के लिए हामी भर दी। फिल्म जब रिलीज हुई तो हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया। यह फिल्म उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बन गई। साल 1963 की फिल्म बंदनी में नूतन ने युवा कैदी की भूमिका निभाई थी। इनका यह किरदार आज भी याद किया जाता है। धर्मेंद्र और अशोक कुमार जैसे सितारों से सजी इस फिल्म को नूतन की वजह से पहचान मिली। नूतन ने अशोक कुमार के साथ बंदिनी में काम किया तो राज कपूर के साथ कन्हैया, छलिया और अनाड़ी जैसी फिल्में की। देव आनंद के साथ पेइंग गेस्ट, बारिश, मंजिल और तेरे घर के सामने जैसी फिल्में की। दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी दो बार बनते बनते रह गई, लेकिन साल 1986 में फिल्म कर्मा में इन दोनों की जोड़ी को साथ में देखा गया। नूतन का स्टारडम ऐसा था कि जहां ये माना जाता था कि शादी के बाद एक्ट्रेस का करियर डाउन हो जाता है, वहीं नूतन को शादी के बाद भी फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म में कास्ट करने को तैयार रहते थे। उन्हें फिल्म में लेने से पहले वे सुनिश्चित करते थे कि फीमेल लीड की भूमिका सशक्त और हीरो के बराबरी में होनी चाहिए। नूतन को पाथ ब्रेकिंग किरदार निभाने के लिए पहचाना गया। नूतन ने पर्दे पर साड़ी में लपटी शांत, सरल और सुलझी हुई महिला का किरदार भी निभाया और स्क्रिप्ट की डिमांड पर बोल्ड कपड़ों में भी नजर आई। शबाना और स्मिता पाटिल जैसी एक्ट्रेसेस भी उनसे इंस्पायर हुई। नूतन और संजीव कुमार से जुड़ा एक किस्सा मशहूर है कि 1969 में देवी की शूटिंग के दौरान नूतन ने संजीव को सरेआम थप्पड़ मार दिया था। दरअसल शुरुआत में नूतन और संजीव एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों की जबरदस्त ट्यूनिंग चर्चा का विषय बन गया, जिसे लोगों ने अफेयर का नाम दे दिया। नूतन का पति से इस बात पर झगड़ा होने लगा। नूतन ने देवी के सेट पर ही एक मैगजीन पढ़ी जिसमें उनके और संजीव कुमार के अफेयर के बारे में छपा था। वे काफी गुस्सा हुई और सेट पर ही संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब संजीव कुमार ने दूसरा गाल भी नूतन के सामने कर दिया था। हालांकि मीडिया में ऐसी अफवाहें उड़ी थी कि दोनों का रिश्ता गहरा था और दोनों छिपकर शादी करने का फैसला कर चुके थे। नूतन ने बॉलीवुड की 70 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और लगातार 5 साल बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर खिताब जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 1974 में नूतन को पद्मश्री भी दिया गया था। नूतन के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उन्हें अभिनेत्री बनाने वाली उनकी मां शोभना समर्थ के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए। नूतन ने अपनी मां पर अपनी कमाई के पैसे में हेर फेर का आरोप लगाकर कोर्ट में केस कर दिया था और 20 सालों तक मां बेटी की बातचीत नहीं हुई। दरअसल नूतन को शोभना ने अपने प्रोडक्शन हाउस शोभना पिक्चर से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। इस फिल्म कंपनी में नूतन भी मां की हिस्सेदार थी। नूतन फिल्मों से जो भी कमाया करती थी वह सारा पैसा कंपनी में ही जाता था। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मामले शोभना समर्थ खुद संभाला करती थी। एक बार इनकम टैक्स ऑफिस से बकाया टैक्स चुकाने के लिए घर पर एक लेटर आया। मां शोभना समर्थ ने वह लेटर नूतन को दिया और पूरा टैक्स उन्हें ही चुकाने के लिए कह दिया। दरअसल टैक्स की रकम काफी ज्यादा थी और नूतन कंपनी में सिर्फ 30% प्रॉफिट की हिस्सेदार थी। नूतन ने तर्क दिया कि मेरी सारी कमाई कंपनी में ही जाती है, फिर भी आप मुझे पूरा टैक्स भरने के लिए कह रही हैं, जो कि गलत है। इसके बाद नूतन ने मां का घर छोड़ दिया और मां और परिवार से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। लेकिन दोनों के बीच रिश्ते इस कदर बिगड़ गए कि बात कोर्ट कचहरी तक जा पहुंची और फिर कभी मां बेटी के बीच कुछ सही नहीं हुआ। तनुजा भी अपनी बहन के काफी करीब थी, लेकिन पारिवारिक विवादों ने उनके बीच एक दूरी ला दी थी। जब नूतन के साथ शोभना का विवाद बढ़ा तो वह मां के साथ ढाल बनकर खड़ी रही।
नूतन अपने फिल्मी करियर में तो ऊंचाइयों पर थी, लेकिन निजी जिंदगी में बेहद उदास रहती थी। नूतन का फिल्मी सफर बुलंदियों पर था, तब अचानक साल 1989 में उन्हें कैंसर जैसी घातक बीमारी ने जकड़ लिया। तमाम कोशिशों के बावजूद आखिरकार इस बेहतरीन अदाकारा ने 21 फरवरी 1991 के दिन महज 55 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नूतन बहुत ही प्यारी थी, वह अभिनेत्री भी थी और सिंगर भी थी। कहीं ना कहीं उसने जीने की इच्छा खो दी थी। वह जानती थी कि यह उसके अंत की शुरुआत है। उसने अपनी बीमारी को प्रोत्साहित किया, अगर उसने और ध्यान रखा होता तो वह कुछ और साल जी लेती। भले ही नूतन इस दुनिया में नहीं है, मगर उनका बेमिसाल अभिनय आज भी लोगों के लिए अभिनय की बुलंदी की एक मिसाल की तरह हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। नूतन के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।